हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद द न्यू व्लॉग आफ्टर एन ईयर लॉन्ग. बट दिस टाइम हमारे पास एक और न्यू मेंबर है. एनी गैसेस? और अगर गैसेस हो तो कमेंट डाउन, बट मैं मिलवा ही देती हूँ. इतना भी क्या इंतज़ार करना, कोई हुरकी परी तो है नहीं. इसके पास अगर एक दो सॉफ्ट टॉयज और हो ना तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं, मुझे बेड से नीचे फेंक सकती हूँ बिल्कुल बिना रिग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट विद द डे इन लाइफ ऑफ आशी एंड नफीसा. तो कल हम कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे थे एंड उस बीच में कुछ ऐसा हुआ जो कि गलती से रिकॉर्ड हो गया, होना नहीं चाहिए था. बट तब तक आप इस चीज को एंजॉय कीजिए और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे आज के दिन के साथ. बाय. कुछ चीजें इसने भारी खा ली है, ज्ञान दे रही है, फर्क नहीं पड़ेगा. हमारा टिफिन आया था दाल कम पानी रोटी, ठीक है नहीं कुत्ते वाली रोटी ऐसे नहीं बोलते, चावल और ये. तो फिर हमने डिसीजन लिया आलू फ्राई करेंगे. अभी वो बड़ा भूत अब मैं करूंगी तेल गरम. एक सेकेंड. ये तो कोई ड्राइंग से पहले आई है, बता भैया. ले इसको शुगर से बोलो भाई. बोला परी बनाऊंगे लाल ये क्या फाइल है? मैं तो ढंग से तो सुना, इधर खड़ा ऐसे अच्छे से सुना नहीं समझ में आया. अरे नहीं सुना रही, टॉफी दो. अच्छे से सुना, अच्छी अच्छे से सुना जाए एक्टिंग के साथ. हाँ सुना ना? अब नहीं सुनाएंगे, अब नहीं देखे. सुना तू प्ले कर रही थी ना, फिर क्या हुआ तेरे प्ले का? पुष्पा क्या बात है. चूहा पकड़ने की मेहनत पर चूहा हमें चकमा देके भाग चुका है. चूतिया बना के चलेंगे. चार बार उस पे से भाग गया पर वो उस पे चिपका नहीं. 80 रुपए बर्बाद. हमारी शेफ वो अपना तेल हो चुका है, इसको थोड़ा सा और हो जाने दे, फिर एक साथ डालेंगे आराम से. ओ प्यारा हो गया तेल. दो खान में करते ताकि थोड़े अच्छी बन पहुंचे. सेकंड फ्राई. और ऐसा लग रहा है उसी तेल में हाथ डाल के खा लूंगी. दो मिनट डालने बहुत इंतजार है भाई जीवन में. कुछ होटल्स में तो जेन्युइन लगता है कि बस वो फ्राइज ऐसे ही दे देते हैं, पता है? जबकि फ्राइज बनाने की बहुत लंबी प्रोसेस होती है. एक दिन पहले वो फ्रीज में, एक दिन पहले उसको पहले बॉईल करते हैं फिर उसको कुक. किसी दिन कुकिंग व्लॉग भी डालते अभी रमजान में. वो हाँ रमजान में तो बहुत प्यारे व्लॉग आएंगे. नहीं 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 हाँ सो हम बोल रहे थे कि कुकिंग व्लॉग आएगा, पर वो आएगा रमजान में, तो आपको वेट करना पड़ेगा पूरे 15 दिन. पर वो बीच में हमारा फोन आ गया था. और देखो अभी हम मैं आपको चूहा दिखाती हूँ. अब वो चले गया, मैं आपको स्पॉट ही नहीं कर पाई. नेक्स्ट टाइम आएगा तो मिलवाती हूँ हमारे रूम के चूहे से. ऐसा लगता है हमने पाल रखा है एक इसे और एक चूहे को. और हमारा लॉट 2 तैयार हो रहा है पर उसमें थोड़ा कम है.
अब ये बनने के बाद पता नहीं रोटी गले से नीचे उतरेगी या नहीं, या सिर्फ किसी को खा के हम सो जाएंगे। खैर हमारे पास बेसन के लड्डू हैं और आशी की मम्मा ने मुझे बोला है कि दिन में दो खाना बेटा, मोटे होने का बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उनसे मतलब प्यार है ना। खा खा के मर जाएंगे पर भूखे रह के जिएंगे नहीं, आशी का नया जीवन का उसूल। ब्लॉग बनाना इज मोर इम्पोर्टेंट, बुझ गई क्या यार, अच्छा कंटेंट था। घर जल सकता था, अपन जल सकते थे। नहीं नहीं जलते, तूने मेरे पाव पे तो डाल ही दी थी। ओ फ्राइज जल गई। शिट, दिस इज व्हाट सैड लाइफ इज ऑल अबाउट। ठीक है, इनमें बिना मसाला डाले ही मसाले जैसा रंग आ गया। अब फ्राई नहीं उठाएंगे वैसे, कभी तू आ गया। नुकसान पे नुकसान हो रहा है। तो पढ़ दूंगी अभी। क्या जला है भाई, गजब। सच में ऐसा लग रहा था कि भगवान भी कोशिश करने लाओ तुम्हारे ब्लॉग में कंटेंट डालते हैं। बन गए फाइनली, अब हम खाएंगे। रात की बज चुकी 10, सुबह 10 बजे बोला जरूर था हम व्लॉगिंग करेंगे, पर आशी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी थी तो सोचा मैं बेवकूफ़ बनाने की भी हद होती। तो फिर मैंने सोचा किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये हमारे जबलपुर शहर का महान हिस्सा रांझी। बस देखने दो लोगों को रांझी कैसा दिखता है। ठंड में यहाँ पे एकदम जी फाट ठंड पड़ती है, जी फोर जी डॉट डॉट डॉट, मतलब जी के बाद 3 डॉट, उतनी ठंड यहाँ पड़ती है। अपनी बात कट कर रहा है, तेको पता है ना। नहीं बिल्कुल भी नहीं। कहीं देखो भाई मैं तो थक गई वॉक करके, अब मेरे को कुछ खाना है। पर ये दिख रहा है ये भोली शक्ल बिल्कुल नहीं, मेरे को खाने नहीं दे रही है कुछ भी। मैंने इतने सारे ऑफर दिए, बादाम शेक फिर दही। फिर देखो मैं आपको बताती हूँ बप्पा स्वीट्स कैसे, बताओ अभी मिलवाती हूँ बप्पा स्वीट्स। हाँ से मैंने बोला मिठाई खा लेती हूँ। देखो जब आप रोड पे व्लॉगिंग करो ना तो ऐसे एक्सप्रेशंस रखते लोगों को। काफ़ी एफर्ट्स के बाद मैंने आखिरकार इसको मना ही लिया जलेबी खाने के लिए, और मैडम ने ली सिर्फ 10 रुपये की है, अपनी तोंद की फिक्र करते हुए थोड़ी और थोड़ी मेरी भी। ठीक है देखो अभी थोड़ी देर पहले ज्ञान दिया जा रहा था, खाले खाले। तो ये है हमारी रात और ये चल रहा है नफीसा मैडम का भोजन। इन्होंने अभी अभी ये लड्डू खाए हैं बेसन के, उसके पहले इन्होंने श्रीखंड का सेवन किया है। तो वो और रास्ते से हम जलेबी खा लेगा, फिर 2 किलोमीटर उसको वॉक करवाएंगे तो कैसे चलेगा। और उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती और अब पैसों के लिए लूडो खेलेगी। और अगर मेरी मम्मी ये व्लॉग देख रही है तो बिल्कुल झूठे में पैसों के लिए। चल मतलब हम सबके पैसे माफ। ठीक है तो अब हमारी रात होने वाली है। ज़्यादा तो है तेरे 62 है और मेंस के 60 है, भाभी के 20 है। और सुन कोई भी गेम अशेष 220 देने तो देखो देने। अरे वो तो एक डायलॉग के फंस गए थे।
कोई भी अपन गेम खेलते हैं तो उसका एक प्राइज मनी होता है ना, वैसे इसको सट्टा नहीं बोलना चाहिए, लोगों की मेंटलिटी चेंज करनी चाहिए। मैं करूँगी ठीक है। हमारी रात है, यहाँ पे सारा सेटअप हो रखा है, यार आया हम विद द टेडी बेयर, एंड इसमें बहुत जल्द एक नया मेहमान आने वाला है, उससे भी आपको इंट्रोड्यूस बहुत जल्द करें, प्लीज नहीं उसकी प्राइस जानने के लिए प्लीज नहीं ठीक है, उसका आ जाने के बाद बताऊंगी मैं। दैट्स अ टोटल वर्थ इट प्राइस, बहुत ही क्यूट टॉय है वो, एंड वो जरूर आने दो, फिर बताती हूं। इंडियन पेरेंट्स की आत्मा हाथ में आ सकती है उसका भाव सुन के। हाँ मेरी। ओके सो इट्स मी और हो रही है हमारी रात। बाय बाय।